तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा स्कोर है 3828 स्कोर है, पर स्टार नहीं लगा, हीरोइक स्टार नहीं लगा। तो क्यों, किस रीजन से स्टार नहीं लगा है? और फ्रेंड जैसे कि आप लोग जानते हो, अपडेट के बाद हमारा एक मास्टर टैग आ गया है। देख सकते हो ये मास्टर का टैग, ये ऐसा दिखेगा आप लोग को, और ये मास्टर का टैग आ गया है। तो ये हम लोग को कब लगेगा और फ्रेंड इसका रीज़न क्या है फ्रेंड? और ग्रैंड मास्टर का भी रूल्स चेंज हुआ है, ग्रैंड मास्टर जाना बहुत ही ईजी हो गया है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हो तो आपको ग्रैंड मास्टर जाना कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या चेंज हुआ है रूल्स में, वही इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड लेकिन उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 3800 स्कोर है, पर स्टार नहीं लगा है। और 3800 के बाजू में आप देख सकते हो कि 6000 लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो 6000। तो गरीना ने बोला था कि अगर आप हीरोइक पार करते हो, मतलब जैसे कि 5 स्टार लगता था हीरोइक, 5 स्टार लगता था पहले 6000 तक, तो 6000 पर हीरोइक पार करते हो तो आपको मास्टर का टैग दे दिया जाएगा। तो ये मास्टर का टैग कुछ इस प्रकार का रहेगा, आपको मास्टर ग्रेम मास्टर टैग 1 स्टार ऐसा लगेगा, मतलब मास्टर टैग में स्टार दिया जाएगा, 1 स्टार, 2 1 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक दिया जाएगा आप लोग को। तो 6000 पर 1 स्टार दिया जाएगा और आपको 2000 दूसरा स्टार मिलेगा आपको 7000 स्कोर पर। जी हां फ्रेंड, अगर आप रैंक स्कोर का 7000 स्कोर कंप्लीट करते हो तो आपको 2 स्टार दे जाएगा मास्टर टैग में, और 3 स्टार ऐसी करके 8000। और गाइस फाइनली अगर आप 5 स्टार चाहते हो तो आपको 12000 स्कोर करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, 12000 स्कोर करना पड़ेगा तो आपको मास्टर टैग का 5वां स्टार मिल जाएगा आप लोग को, और ये रैंक स्कोर एकदम ख़त्म हो जाएगा, आगे इन्फिनिटी दिखा देगा, मतलब सिर्फ घटेगा और बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड उम्मीद है समझ गए होंगे। और अब बता देते हैं हमारा मेन जो हमारा ये है ग्रैंड मास्टर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सब लोग ग्रैंड मास्टर में है। तो फ्रेंड अगर आप देखोगे गौर से तो ये देख सकते हो इसमें ग्रैंड मास्टर 4, ग्रैंड मास्टर 3, ग्रैंड मास्टर 2, ये क्या है फ्रेंड, ये क्या है वही इस वीडियो में जानेंगे, और यही इसका रूल्स चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इसको क्लिक करते हो तो ग्रैंड मास्टर 4 में आपको 1 से 100 बंदा रह सकते हैं ग्रैंड मास्टर 4 में। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपका रैंक स्कोर इंडिया रीजन में 1 से 100 के बीच में है तो ग्रैंड मास्टर 4 में आप रह सकते हो, और 101 से 300 के बीच में रहते हो तो ग्रैंड मास्टर 3 में आप रह सकते हो, और वैसे ही 1000 तक, 301 से 1000 तक ग्रैंड मास्टर 2, और 1000 से 2000 के बीच में अगर आप रहते हो तो ग्रैंड मास्टर 1 दिया जाएगा। यहाँ पर इजीली देख सकते हो, सब इसमें बता दिया है फुल डिटेल के साथ। तो अभी फ़िलहाल स्कोर है 18741 स्कोर आप लगाते हो तो आपको ग्रैंड मास्टर 1 दे दिया जाएगा। और अब देख सकते हो 2000 बंदे अब ग्रैंड मास्टर में जा सकते हैं, पहले था 300 जाते थे, बीच में फिर रैंक स्कोर बढ़ा दिया तो फिर ये ग्रैंड मास्टर का भी बढ़ा दिया, वो कर दिया, 1000 बंदे जाने लगे थे, फिर अब बढ़ा के 2000 कर दिया। तो काफ़ी इजी हो गया है ग्रैंड मास्टर जाना, अगर आप थोड़ा सा भी फर्स्ट दिन मेहनत कर लेते हो तो आपको ग्रैंड मास्टर कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड उम्मीद है वीडियो समझ गए होंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।